नाम मनीषा है। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा मैगी के कटलेट। ये हम पोहा और मैगी को मिलाकर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ जरूरी सामान। एक कप हम लेंगे पोहा, मैगी हाफ, जो हम छोटा 10 रुपए वाला पैकेट लेते हैं ना, उसी को बस हमने हाफ लिया है, उसको हाफ ले लेंगे। थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्ची, थोड़े से कटे हुए प्याज, आप कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। मटर का सीजन है तो मटर, गाजर, कोई भी वेजिटेबल हम इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, आप 3 ब्रेड की स्लाइसेस लीजिए, उसको सिंपल मिक्सी में चला लीजिए। बस ये ब्रेड क्रम्स ही है जो हमने लिया है। थोड़ा सा नमक, हल्दी 1 पिंच ही हम लेंगे और लाल मिर्ची। ये जो पोहा हमने लिया है इसको हम 10 मिनट के लिए पानी में सोक करेंगे। अच्छे से इसको आप 2-3 बार वॉश कर लीजिए और इसको सोक कर लीजिए सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये मैंने पहले से ही कर रखा है। बस इसी तरह का हमको लेना है जैसे हम पोहे के लिए बनाते हैं नॉर्मली, बस उसी तरह का। अब इसको हम डालेंगे एक अपने मिक्सिंग बाउल में। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हमारी मैगी। मैगी को आप हाथ से थोड़ा सा इसको तोड़ लीजिए अच्छे से, बस इसी तरह से चूरा करके। ये हमने कच्ची ही ली है, इसको हमने बनाया नहीं है। जब ये कुक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप गल जाएगी। हल्का सा इसमें क्रिस्प आता है तो बच्चे वैसे भी खा लेते हैं। इसको इसी तरह हम मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए प्याज, कटी हुई शिमला मिर्ची, इस तरह से इसको हम पूरा अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। एक पिंच हल्दी, लाल मिर्ची टेस्ट के अनुसार, जितना आपका बच्चे खाते हैं, घर वाले जैसे भी मिर्ची आप लोग खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से हम डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये पोहा पूरी तरह से पूरा घुल जाएगा ये इसमें। अब इसमें धीरे धीरे करके मिलाएंगे हम अपना ब्रेड क्रम्स। इसमें एक साथ नहीं डालना है सारा, क्योंकि हमें एक डो बनाना है, तो इसमें धीरे धीरे करके हम इसको मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, ये पूरा एक साथ इकट्ठा होने लग जाएगा। अब ये बाकी बचा हुआ जो ब्रेड क्रम है ये भी अपन इसमें मिला लेंगे। अगर आपको थोड़ा सख्त लगता है, बाइंड होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 चम्मच जितना थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे ज्यादा चाहिए तो ही हम थोड़ा सा और मिलाएंगे। बस ये अच्छे से बाइंड होना चाहिए, हमें कटलेट का शेप देना है। क्योंकि ये देखिए ये पूरा तैयार है अपना। बस अब इसके ऐसे छोटे छोटे बॉल्स जैसे किसी भी शेप में आप बनाइए, ये तैयार है। देखिए बस इसके बॉल्स बन जाए आराम से, किसी भी शेप में हम देना चाहें वो बन जाए, उस फॉर्म में हमें ये चाहिए होगा। ये देखिए ऐसे हम सिंपल छोटे छोटे सर्कल्स में मैं अभी बना रही हूँ, आप चाहें किसी भी शेप में बनाएं। बस ये देखिए मैंने सभी बना लिए हैं। इसमें 9 से 10 पीस लगभग बनते हैं, वो साइज के अकॉर्डिंग रहता है, आप किस साइज का बनाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसको अपने फ्राई करने के लिए। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे आज। अब हमने तवा गरम करके रख दिया है अपना, इसको हम हल्का ही गरम करेंगे, तवे को एकदम ज्यादा गरम नहीं करेंगे। थोड़ा सा तवे पे डालेंगे हम घी, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं लगाएंगे हम इसमें तेल घी, थोड़ा थोड़ा इसमें हम करेंगे। और इसको जितना तवे पे आएगा, ज्यादा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपकते हैं और टर्न करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। इस तरह से हम 4 से 5 एक बार में अपने कुक करेंगे। हल्का हल्का साइड में घी, ऑयल जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। और इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम। थोड़ा सा इसको टाइम जरूर लगता है क्योंकि इसमें मैगी भी है, सब्जियां भी हैं, तो 2 से 3 मिनट लगेंगे आपका एक पैच तैयार होने में। अभी हम इसको एक साइड से जब ये थोड़े से गोल्डन होने लगेंगे तब हम इसको टर्न करेंगे, थोड़ा सा टर्न करेंगे। ये देखिए गोल्डन होने लगे हैं हमारे, एक साइड से गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे, तभी हम इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट बाद इसको टर्न करेंगे।
देखिए आप ये किस तरह थोड़ा इसमें कलर चेंज होने लगा है। इसमें भी साइड्स में हम हल्का हल्का सा घी ऑयल आप कुछ भी लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ 1 or 2 drops बस। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा आप डाल दीजिए इस तरह से बस। इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए अब ये दोनों साइड से हमारे अच्छे गोल्डन और क्रिस्प हो गए हैं, दोनों ही साइड से ये पक चुके हैं पूरी तरह से, और इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी पकड़ तैयार हैं अपने, बाकी को भी मैं इसी तरह से सेम प्रोसीजर में सेक दूंगी। ये देखिए हमारे ये दूसरे वाले भी बनकर बिल्कुल तैयार हैं, गोल्डन भी है, क्रिस्प भी है, पूरे पक चुके हैं ये। बस अब इसको इसी स्टेज पे हम निकाल लेंगे अपना। ये हमने लो और मीडियम फ्लेम पे बनाया है, इसमें हमने ज्यादा घी ऑयल कुछ भी यूज नहीं किया है, बहुत ही कम ऑयल और घी में ये सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए सभी बनकर तैयार हो गए हैं, इसको हम सॉस चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन दबाएं। थैंक यू।